नमस्कार, मैं हूँ MS आर्डर और आज जिस कहानी को मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है सारी परेशानियों का हल, सॉल्यूशन ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, हमारी सारी परेशानियों का हल एक ही चीज़ में छिपा है जिसे कहते हैं सोचना बंद करना और काम करना, जो हम नहीं कर पाते, मैं नहीं कर पाती, दूसरे लोग नहीं कर पाते, आप नहीं कर पाते। तो कहानी है उन दो दोस्तों की, दोनों लेखक होते हैं, एक का नाम होता है मणि और दूसरे का नाम होता है रवि। मणि हमेशा रेगुलर लिखता था और देखता था कि वही उसके कितने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, क्या चल रहा है, और वहीं रवि दूसरी ओर हमेशा परेशान रहता था। वो लिखता था लेकिन उसके फॉलोअर्स नहीं थे, उसकी कहानी उतनी ज़्यादा हिट नहीं होती थी, परेशान रहता था। एक दिन मणि और रवि एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, वो लोग हमेशा डिस्कस करते थे कि कैसे करें क्या करें। तो फाइनली रवि ने मणि से पूछ लिया, यार मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, मतलब कुछ भी करो यार, कुछ हो ही नहीं रहा, रीडरशिप बढ़ ही नहीं रहा, मैं सोच रहा हूँ कि क्विट कर जाऊँ और वापस पापा के कपड़े का बिजनेस संभाल लूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ, अब नहीं होगा मुझसे। मणि तू कैसे कर पा रहा है ये सब यार? मणि सब जानता था, मणि रवि के स्वभाव को भी जानता था, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन स्वभाव है कि हम लोगों से कम्पीट करते हैं, जबकि समझदार लोग कभी भी अपने दाएं बाएं कहीं नहीं देखते, वो खुद को देखते हैं, वो ये देखते हैं कि कल हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं और हमें आगे कहाँ जाना है। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग है। हर इंसान भले ही एक ही फील्ड में हम सब के सब हैं, लेकिन तो भी हम सब की यात्रा अलग है। ये बात जिस दिन इंसान समझ जाता है उस दिन सोचना कम कर देता है, या बंद कर देता तो नहीं कहेंगे, कम कर देता है और आगे जाने लगता है। सीधे सीधे मणि ने कहा, देख भाई इसका बहुत सिंपल तरीका है, अगर तू मुझसे और दूसरों से कंपटीशन करना बंद कर दे, तू अपने आप से कंपटीशन करे और अपनी लेखनी में सुधार लेकर आए, देखे कि क्या चाहिए तेरे रीडर्स को, तो तू खुश रहेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तू दिन रात मुझे देख रहा है, दूसरे ऑथर्स को देख रहा है, उनको देख देख के तू परेशान हो रहा है और इसी वजह से तू पीछे जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि तुझे ये नहीं देखना कि तू एक साल में आगे बढ़े, कि तू डेढ़ साल में आगे बढ़े या तू तीन साल में आगे बढ़े, ये बहुत ज़रूरी है कि तू सोचना बंद कर दे। और सोचना बंद करना कब होगा, जब तू कंपटीशन करना फालतू का दूसरों से बंद कर देगा। और जैसे ही तू सोचना बंद करेगा तो तेरा सारा समय बचेगा और तू अपने ऊपर ध्यान दे पाएगा, और अपने आप पर ध्यान देगा तो अपने पास्ट से कंपटीशन करेगा और तू पाएगा तू अच्छा ही कर रहा है और भी अच्छा करने लग जाएगा। तो यही तुझे करना होगा। ये बात सुनते ही रवि को मणि की बात समझ में आ गई, उसे समझ में आ गया कि हाँ वो जलन करता है क्योंकि वो कंपटीशन करता है, इसकी वजह से वो पीछे जा रहा है। अगर वो सामने से खुद को देखता तो वो पहले अच्छा था और अभी धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा उत्साह की बात थी, लेकिन वो आसपास देख रहा था, दूसरों को देख रहा था, इस वजह से वो पीछे जा रहा था। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी को मैं समाप्त करती हूँ, मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। आशा करती हूँ कि आपको भी सारी समस्याओं का जड़ और हल दोनों मिल गया होगा। जड़ है सोचना और काम कम करना, और हल है सोचना बिल्कुल बंद कर देना या कम कर देना। वो कब होगा, जब हम दूसरों से कंपटीशन करना बंद कर देंगे और काम ज़्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि काम सही करना और काम ज़्यादा करना, उसी पर ही हमारी सफलता आधारित होती है। इसका और कोई भी शॉर्टकट ज़िंदगी में नहीं है। इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ अपनी इस कहानी के दौर को, आज के दौर को। आपका दिन शुभ हो। कीप स्माइलिंग, हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।